वेलकम स्टूडेंट्स इन साइंस क्लास। टुडे वी डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर दैट इज द माय बॉडी। माय मींस मेरा, बॉडी मींस पार्ट, मतलब देयर डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडीज आर प्रेजेंट। आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन प्रेजेंट इन इट। हमारा जो बॉडी है वह एक मशीन की तरह वर्क करता है। बिकॉज इनसाइड अ बॉडी दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन आर प्रेजेंट विच परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी। ओके, तो बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एवरीवन नो अबाउट देम। यू सी हियर this part is the hair, ear, nose, eyes, mouth, lips, shoulder, neck, chest, arm, elbow, waist, stomach, thigh, thumb, finger, knee, ankle, foot and leg. This is the different part of bodies. Okay, why we are discuss here, क्यों मैं यहाँ बता रहा हूँ, बिकॉज इन द लास्ट पेज वी आर गिवेन अ होमवर्क फॉर यू, यू कंप्लीट देम। ओके, उसके आंसर कमेंट बॉक्स में 1, 2, 3 करके लिख करके मुझे डाल दीजिएगा। ऊपर से लेकर नीचे तक 1 स्टार्ट अपर पार्ट से होगा और एंडिंग लास्ट पार्ट होगा। ओके, ओके, बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे थे। तो बॉडी में क्या थे, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट विल परफॉर्म फंक्शन। तो व्हाट इज द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हमारे बॉडी में कई ऑर्गन है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन है, जैसे माउथ ऑर्गन है, ठीक, दैट इज द डिफरेंट फंक्शन। इसका क्या है, बाइटिंग, चीविंग, फूड मटेरियल, ठीक है। हैंड है, इनसाइड द बॉडी दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम्स। अब सिस्टम की बात करेंगे तो अदर पार्ट है। ऑर्गन मीन्स दैट इज द स्पेसिफिक या स्पेशल स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन आवर बॉडी परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में हार्ट है, हार्ट का फंक्शन क्या है, ब्लड को सर्कुलेट करना, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज। आइज दूसरा ऑर्गन है, आइज, आइज का फंक्शन क्या है, वी सी द एनी सब मटेरियल्स और सबस्टांसेस। स्टमक, स्टमक का क्या फंक्शन है, देयर इज द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। सो ऑन देयर आर डिफरेंट ऑर्गन आर प्रेजेंट इन आवर बॉडीज। ओके, दैट इज क्लियर। सेकेंड पार्ट बॉडी में होता है सिस्टम। तो व्हाट इज ए सिस्टम, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट इज फॉर्म अ सिस्टम, ठीक है। अ सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। एक सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। दैट इज क्लियर। जस्ट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन विच देयर इज द डिफरेंट ऑर्गन पार्टिसिपेट। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन पार्ट भाग लेते हैं, इसमें माउथ है, टीथ है, लंग्स है, उसके बाद ओएसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, दैट डिफरेंट ऑर्गन सब मिलकर केवल एक सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। कौन सा सिस्टम फॉर्म हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, दैट इज क्लियर। सेकेंड वन इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका नोज है,
विंड पाइप है, लंग्स है, डायफ्राम है, ठीक है. दिस इज द डिफरेंट ऑर्गन विच पार्टिसिपेट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अनदर ऑर्गन सिस्टम दैट इज नोन एज द एक्सक्रेटरी सिस्टम. यू सी देयर इज वन एग्जांपल आर गिवन हियर इज द एक्सक्रेटरी सिस्टम. मीन्स दे आर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फॉर आवर बॉडीज. हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिन जिसको कहते हैं, उसको रिमूव करना वो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू होता है. तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में यू सी हियर डिफरेंट ऑर्गन आर पार्टिसिपेट. जैसे इसमें देखो ये क्या है, किडनी है, ये क्या है, किडनी है आपका, ठीक. फिल्टर होने के बाद किडनी का फंक्शन क्या है, ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरेटर के थ्रू, ये यूरेटर होता है वन पेयर, ठीक है, इसके थ्रू, यह यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये आर्गन हो गए. किसके थ्रू ब्लड इंटर कर रहा है, देखिए यहाँ पर दो आपके नर्व सेल दिख रहा है जिसमें प्योर ब्लड आ रहा है. ये ब्लड जो कंटेंट लेके आ रहा है आर्टरी के थ्रू इंटर करता है, ठीक है, दोनों साइड में जाता है, फिल्टर होने के बाद वो वेन के द्वारा फिर वापस चला जाता है ब्लड. क्लियर. तो यू सी देयर आर डिफरेंट ऑर्गन आर पार्टिसिपेट इन एक्सक्रेटरी सिस्टम्स. क्लियर हुआ. तो सिस्टम क्या है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन. That is clear? Okay. जो topic आपको discuss करना है, first topic that is the breathing system. Breathing system क्या होता है? Intake. Breathing system क्या है? Intake oxygen and give out carbon dioxide. This process is known as the breathing. Okay. तो क्लियर हुआ. व्हाट इज द ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मींस इनटेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस इज नोन एज द ब्रीदिंग. ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं. ठीक है, दूसरे टर्म में कह सकते हैं, इनटेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द एनवायरमेंट. दिस प्रोसेस इज नोन एज द ब्रीदिंग. क्लियर. The breathing process takes place continuously. यह continuous process है without any minutes, that is stoppage, without any rest. यह कोई rest भी नहीं करता. Okay? In all living beings, जितने भी living organism में, सब में breathing process होता है. If this process stops for more than 2 minutes, the living beings can be die. यदि यह process 2 मिनट से ज़्यादा यदि stop हो जाए तो human beings या जो body है वो dead हो जाती है. That is clear? You see the structure of lungs here. In breathing system की बात करें तो in breathing systems there are different organ are participated. Just like you see here, ये organ है breathing system का, nozzle cavity है, nose है, जो outer part present होता है, nose के द्वारा air enter करता है, ठीक है. ये elongated जो structure दिख रहा है, tubular structure, this known as the trachea, या इसको हम कहते हैं wind pipe भी बोलते हैं इसको, ठीक है. इसके द्वारा एयर इंटर करता है. ये क्या है आपके लंग्स हैं. ठीक है, और जो नीचे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस नोन एज द डायफ्राम. ठीक है, तो ब्रीदिंग सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं. पहला नोज हो गया, बीच में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स. ठीक है, जिसको वोकल कार्ड भी बोलते हैं, वॉयस बॉक्स जहाँ से आवाज़ रिलीज होती है उसको फेरिंग्स से बोला जाता है. दैट इज़ क्लियर. उससे एक ट्यूबलर स्ट्रक्चर जुड़ी होती है जो लंग्स में जाकर जुड़ती है, उसको हम कहते हैं ट्रैकिया, और दिस इज कॉल्ड नोन एज द विंड पाइप.
इनसाइड देयर इज द बैलून लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट वन पेयर्स, लेफ्ट एंड राइट में प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं लंग्स। ठीक है, लंग्स के नीचे एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द डिफरेंट ऑर्गन दैट इज पार्टिसिपेट इन द ब्रीदिंग सिस्टम्स। क्लियर। A nose is connected to balloon-like structure inside the body by a tube is called the windpipe. अभी जो बता रहे थे windpipe क्या है? जो nose होता है वह two balloon-like structure से attached होता है, जिसके through attached होता है उसी को हम windpipe कहते हैं, मतलब जिसके द्वारा transfer होता है nose से lungs में जो ले आता है नलिका उसको हम क्या कहते हैं? windpipe. The two balloon-like structure are called lungs. जो दो बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहे हैं ये क्या है? लंग्स है। दैट इज क्लियर। ये दोनों क्या है? लंग्स है। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड। ठीक है, लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन लिया जाता है इन द ब्रीदिंग सिस्टम बाय द ब्लड, ब्लड के द्वारा वहां से एब्जॉर्ब किया जाता है लंग्स से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड। कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में आया था वो कहाँ डाल दिया जाता है? लंग्स में। लंग्स से कहाँ चला जाता है? नोज के थ्रू या विंड पाइप के थ्रू इन्वायरमेंट में बाहर चला आता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज देन ड्राइवन आउट ऑफ द बॉडी और एक्सहेल्ड थ्रू द नोज। ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सहेल कर दिया जाता है, मतलब रिमूव किया जाता है लंग्स से आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। ओके, द ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब जो ऑक्सीजन लंग्स में गया, लंग्स में से कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। वो ऑक्सीजन जो ब्लड में मिक्स है, मींस दैट इज द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेटेड द ऑल पार्ट ऑफ बॉडीज, वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ब्लड आल्सो कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडीज एंड ब्रिंग इट टू द लंग्स। अब वही ब्लड जो ऑक्सीजन को लिया जा रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज, वहाँ पर जो ऑक्सीजन जाता है वो जो फूड मटेरियल हम यूज किए हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करता है? उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। जब टूटता है फूड मटेरियल जैसे कार्बोहाइड्रेट तो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड से मिल जाता है और वही ब्लड फिर कहाँ ले आता है? आपको लंग्स में ले आता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो लंग्स इज ए प्लेस वेयर इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के यहाँ प्यूरिफिकेशन भी हो रहा है। दैट इज क्लियर। जो ब्लड लंग्स से जाता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वह रेड कलर का दिखता है। और जो ब्लड वापस आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, वो चटक लाल ना दिख करके हल्का लाल दिखता है, या जैसे आप नस में देखते हो तो नीला दिखता है। ठीक है, वेंस में जैसे बॉडी सरफेस पर किसी किसी के हाथ में दिखता है ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का, कुछ नस दिखती है आपको ब्लड ले जाते हुए। ठीक है, वो आपका इम्प्योर ब्लड होता है। दैट इज क्लियर। व्हाट इज द प्रोसेस अकर इन केस ऑफ ब्रीदिंग? तो ब्रीदिंग में टू प्रोसेस होता है, एक होता है इनहेलेशन और सेकेंड प्रोसेस होता है एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? इनटेक द ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट टू द लंग्स या फ्रॉम नोज टू द लंग्स, मतलब जब ऑक्सीजन हम बाहर से लेकर लंग्स में डालते हैं या लंग्स में स्टोर करते हैं या प्रोसेस क्या होता है? इनहेलेशन। ओके, सेकेंड प्रोसेस है एक्सहेलेशन, मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द
लंग्स, लंग्स से हम जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करते हैं, मींस दैट इज़ द रिलीज फ्रॉम लंग्स टू द एनवायरनमेंट या थ्रू द नोज बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सेलेशन। दैट इज क्लियर। व्हाट हैपन इन केस ऑफ एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन, यू सी हियर, यह डायग्राम आपका दिया है इनहेलेशन का, यह डायग्राम आपका दिया है एक्सेलेशन का। इनहेलेशन में क्या कर रहा है, यू सी यहां से ऑक्सीजन इनटेक ले रहा है, ठीक, जैसे ही ले रहा है यह आपका विंड पाइप है, इसके थ्रू एयर कहां कर रहा है, लंग्स में इंटर कर रहा है। लंग्स में जैसे इंटर कर रहा है तो जो लंग्स ये क्या हो रहा है, इनफ्लेटेड हो रहा है, फूल रहा है, और डायफ्राम जो ये लेयर दिख रहा है, ये डायफ्राम है, वह रिलैक्सेशन में चला जाता है, मतलब नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, इन्फ्लेटेड हो जाता है, फूल जाता है, मतलब सीधा हो जाता है। सेकेंड प्रोसेस है आपका एक्सेलेशन। यू सी एक्सेलेशन में क्या होता है, ये रिलीज हो रही है गैस कहाँ से, लंग्स से, यू सी ये लंग्स में भी दिखा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, विंड पाइप के थ्रू ही जा रहा है, ठीक है। इसमें डायफ्राम क्या हो जा रहा है, यू सी ये डायफ्राम क्या कर रहा है, डायफ्राम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, सिकुड़ जा रहा है। तो इनहेलेशन एक्सेलेशन में क्या होता है, क्लियर हो गया, इनहेलेशन मतलब इनटेक द ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द लंग्स, एक्सेलेशन मतलब रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द एनवायरनमेंट, क्लियर। अब ब्रीदिंग प्रोसेस में लास्ट में होता क्या है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज कंज्यूम बाय द बॉडीज, ऑक्सीजन जो होता है बॉडी के द्वारा कंज्यूम हो जाता है। दिस हेल्प डिफरेंट ऑर्गन्स टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शन। ये ऑक्सीजन जो ब्लड के जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है, वहाँ जो फूड मटेरियल होता है उसको ब्रेकिंग डाउन करता है, ब्रेकिंग डाउन करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी का बॉडी डिफरेंट फंक्शन में यूज करता है। दैट इज क्लियर। ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राइविंग आउट ऑफ द बॉडी एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, और जब ये प्रोसेस होता है ब्रेकिंग डाउन होता है फूड का, तो उस समय वेस्ट प्रोडक्ट रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। आवर ब्रीदिंग सिस्टम्स इज ऑलवेज एट वर्क बिकॉज वी हैव टू कीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम। हमारा ब्रीदिंग सिस्टम जो होता है कॉन्टिन्यूस चलता है, क्यों, क्योंकि ब्रीदिंग हमेशा होती है, और यदि मोर देन टू मिनट्स यदि स्टॉप हो जाए तो बॉडी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। दैट इज क्लियर। हाउ कैन द मेंटेन द ब्रीदिंग सिस्टम हेल्दी, तो फॉर द मेंटेन फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए इसके लिए, जैसे रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग हेल्प टू कीप आवर बॉडी एंड आवर ब्रीदिंग सिस्टम हेल्दी। इसके थ्रू अपने बॉडी को एज वेल एज द ब्रीदिंग सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। दैट इज क्लियर। ओके, ये आपका होमवर्क है, फिलिंग द ब्लैंक ऑफ फर्स्ट नंबर इसको दीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10 नेम ये होमवर्क आया है आपको, इसको कंप्लीट करके इसके नेम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।